फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है शुभम ट्यूटोरियल्स में। ये लड्डू देख रहे हैं आप, ये हमने तीसी और मूंगफली से बनाया है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी और एकदम बहुत ही हेल्दी लड्डू है ये, क्योंकि तीसी हमारे पेट को, हमारे कमर को बहुत ही फ़ायदा करता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमने ये रेसिपी कैसे बनाई। तो यहाँ पर मैंने तीसी और मूँगफली का लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये तीसी ले लिया है और यहाँ पर मैंने ये मूँगफली लिया। अभी हम इन दोनों को भूज देंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर ये तीसी लिया है और इसे हम अच्छी तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर भूजते रहेंगे जब तक इसका कलर नहीं चेंज हो जाता है। देखिए, हमारी तीसी अच्छी तरीके से भुजा चुकी है। जब तक ये फटे नहीं तब तक हमें इसे अच्छी तरीके से भूजते जाना है। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये थोड़ा बहुत फटा भी है अच्छी तरीके से। हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अभी हमने यहाँ पर मूंगफली लिया है, उसे भी हम अच्छी तरीके से भून देंगे। देखिए, अभी हमारा मूँगफली भी भुजा चुका है अच्छी तरीके से। मैं इसे भी ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख दूँगी। मेरा मूँगफली ठंडा हो चुका है, अभी मैं इसे मिक्सर में पीस लूँगी। तो देखिए, अभी मैंने मूंगफली को अच्छी तरीके से पीस लिया है मिक्सर में, एकदम पतला हमने इसे पीसा है। तो अभी मैं इसे बर्तन में निकाल लूँगी। तीसी भी ठंडा हो चुका है, उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए, अभी हमने तीसी को भी पीस लिया है, अभी मैं इसे मूंगफली के साथ ही बर्तन में निकाल लूँगी। मैंने यहाँ पर ये चीनी लिया है, आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। अभी मैं चीनी को भी पीस लूँगी। चीनी बचाया था, इसमें मैं इलायची को पीस लूँगी। तो अभी देखिए, मैंने अखी इलायची ली है, उसे मैं थोड़ा बहुत तोड़ के इसके अंदर डाल दूँगी और इसे हम साथ में पीस लेंगे। तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा हमारे लड्डूओं का। जिस बर्तन में मैंने पहले वाले चीनी को पीस करके रखा था उसी में मैं ये इलायची वाला चीनी भी पीस रख दूँगी और उसे हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए, ये मैंने तीसी को और जो मैंने मूँगफली को पीस करके मिलाया था उसको मैं अच्छी तरीके से दूसरे बर्तन में, बड़े वाले में रख लूँगी। चीनी को भी इसी में डाल लूँगी। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने ये कंडेंस मिल्क लिया है, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल मावा की तरह। और अभी मैं इसमें ये मिला दूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते। ये बहुत ही अच्छा, लेकिन इससे टेस्ट आता है, मिठास आता है इस मिठाई में और लड्डू में। ये कंडेंस मिल्क की रेसिपी अपने यूट्यूब चैनल पर डाली है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। अभी मैं ये इसमें डाल दूँगी घी। इसमें मैं 4 से 5 चम्मच तक घी डाल दूँगी। घी से बहुत ही अच्छा हमारा ये बाइंडिंग होगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका लड्डुओं का। अभी हम इसे इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमने जो इसमें पीसी हुई शक्कर का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहे तो उसका शीरा बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी हुई चीनी में घी ज़्यादा लगेगा तो टेस्ट भी हमारे लड्डुओं का उतना ही अच्छा आएगा। अभी हमने इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है। देखिए, हम इसे मुट्ठी में लेकर के दिखा रहे हैं। तो देखिए, हमारा ये लड्डू अच्छी तरीके से हाथों में आ जा रहा है, लड्डू के शेप में भी बन रहा है। अगर आपका लड्डू के शेप में ना बने तो आप इसे अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत घी डाल करके और अच्छी तरीके से मिला सकते हैं। देखिए, कितने अच्छी तरीके से लड्डू के शेप में बन चुका है। ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी इसमें, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने काजू बादाम और किशमिश लिया है कद्दूकस करके, और इन सबको अच्छी तरीके से मिला दूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आधा यहाँ पर ऐसे इसे ढक करके थोड़ा सा ऊपर से लेयर की तरह रख दिया है ताकि इसके अंदर हवा ना लगे। अभी देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा ले लिया है इसका हिस्सा और ये हम इसे लड्डू के शेप में एकदम बना देंगे हाथों में। देखिए, हमारा अच्छी तरीके से लड्डू के शेप में बन चुका है, ऐसे ही हम सारे के सारे लड्डू बना। तो अगर आपको हमारी ये तीसी और मूंगफली के लड्डू अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।